दोस्तों सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों का ही होना जरूरी है। सेक्सुअली सेटिस्फाइड होना मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए जरूरी है। अगर मेल सेक्सुअली सेटिस्फाइड है तो उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी वो काफी हेल्दी होती है, और अगर फीमेल सेक्सुअली सेटिस्फाइड है तो उसकी भी रोजमर्रा की जिंदगी सही होती है। बहुत सारे लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कहते हैं कि सर मेरी अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत कमजोर हो गए हैं, मैं चाहता हूं उसको खुश करना लेकिन खुश नहीं कर पाता हूं, जिसकी वजह से वो पूरे दिन चिड़चिड़ी रहती है, कभी बच्चों पर गुस्सा उतारती है, कभी सामान फोड़ देती है और कभी मेरा कहना नहीं मानती है। इस तरीके की चीजों से बार बार जूझना पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं जो आपको वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ही बेसिक और बहुत ही कंप्लीट पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आप उन पॉइंट्स को मद्देनजर अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम ट्रैक पर आ जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी। इससे पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक इजीली पहुंचती रहे। तो दोस्तों अगर आप एक मेल हैं और अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए सबसे पहली टिप्स ये है कि आप सबसे पहले ये जानें कि आपकी फीमेल पार्टनर आपसे क्या चाहती है। डज शी वॉन्ट ए सेक्सुअल प्लेजर विद यू, क्या वो आपसे एक सेक्सुअल प्लेजर चाहती है, एक ऑर्गेजम चाहती है, या वो आपकी कंपनी चाहती है, या वो आपसे इमोशनली एक अटैचमेंट चाहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल्स को इमोशंस की जरूरत होती है और हम उसको पहचान ही नहीं पाते, हम सोचते हैं कि हम ज्यादा सेक्स करेंगे इसको सेटिस्फाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी फीमेल को इमोशंस की जरूरत होती है, कभी कभी आपकी प्यारी प्यारी बातों की जरूरत होती है, कभी छोटी सी बात की जरूरत होती है कि आप बाहर घुमा के ले आए, उनको कुछ खिला दिया, कुछ चुटकुला सुना दिया, उसकी जो छोटी छोटी बातें उनको केयर की, उससे आपको आपकी जो फीमेल पार्टनर है आपसे इमोशनली अटैच हो जाती है और थोड़ी देर के सेक्स में भी वो खुश हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप सेक्सुअली अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली मेल्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि अपना जो अहंकार होता है, अपनी जो अंदर की मर्दानगी होती है, उसकी वजह से वो कभी अपनी फीमेल पार्टनर को सपोर्ट करना ही नहीं जानते। दोस्तों सबसे ज्यादा फीमेल को जो जरूरत होती है वो आपके प्यार की, आपके विश्वास की और आपकी केयर की जरूरत होती है। आप अपनी पार्टनर की छोटी छोटी बातों की केयर करें, उसको प्यार दें और उसकी उसकी छोटी छोटी बातों की प्रशंसा करें, उसी से आप देखेंगे कि आपकी फीमेल पार्टनर का जो मूड है वो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपके लिए ये है कि अगर वाकई में आपकी फीमेल पार्टनर आपसे डायरेक्टली बोलती है कि शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद यू इन ड्यूरिंग सेक्स, तो आपको क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले अपनी फीमेल पार्टनर से काउंसलिंग करें, सबसे पहले पूछें कि आपको मेरे से सेक्स के दौरान क्या चीजें पसंद नहीं आती है या किस वजह से आप सेक्सुअली मेरे से सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। तो कभी कभी जो फीमेल्स होती है उनका ये जवाब होता है कि आप इंटरकोर्स करते हैं, जब आप मेरे साथ इंटीमेट होते हैं तो आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, इस वजह से मुझे खुद को इजेकुलेशन नहीं आता, यानी फीमेल जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती, और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसका मूड पूरे दिन खराब रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि अपनी फीमेल पार्टनर के साथ फोर प्ले स्टार्ट करना पड़ेगा। फोर प्ले किसे कहते हैं? फोर प्ले कहते हैं सेक्स करने से पहले, इंटरकोर्स करने से पहले उससे प्यारी प्यारी बातें करना, उससे दिल लगी वाली बातें करना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको ये एहसास दिलाना कि आप उसके साथ सेक्स करने वाले हैं। कभी कभी आप ऐसा किया करें, जिस दिन आप सेक्स करने वाले हो तो सेक्स करने से पहले ही अपनी फीमेल पार्टनर को, अपनी वाइफ को पहले दिन में ही इंटीमेट कर दें, भाई आज तो हमें अपनी रात को बहुत अच्छा बनाना है, जिससे वो पूरे दिन ये सोचती रहे कि आज आप उसके साथ सेक्स करेंगे, आज उसके साथ इंटीमेट होंगे, तो उसकी वजह से उसके दिमाग में जो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे वो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन ये रिलीज होना शुरू होगा, तो पूरे दिन खुश रहेगी और आपको बेड पे भी खुश करेगी। दोस्तों 78% लोगों को यही मालूम नहीं होता कि उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम मेंटल है या फिजिकल है। मैं आपका पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर बुरहान मलिक पिछले 14 सालों से एज ए सेक्सुअलॉजिस्ट और सेक्स काउंसलर काम कर रहा हूँ, हजारों लोगों को ट्रीट कर चुका हूँ, काउंसलिंग दे चुका हूँ वर्ल्ड वाइड। herbalmaza.com से जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कम्प्लीटली सेफ होता है, प्राइवेट होता है और हर्बल होता है और लॉक एंड की वाला होता है। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम की जानकारी के लिए आप वीडियो पे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी तरह की ब्लॉग पोस्ट को पढ़ना चाहें तो आप herbalmaza.com पे जाकर पढ़ सकते हैं। अब आते हैं फोर प्ले के ऊपर। जब आपने अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करी, उसके बाद जब आप फोर प्ले शुरू करें तो आप सबसे पहले आप उसके साथ रह के ये जान लें कि आपके जो फीमेल पार्टनर है उसका जी पॉइंट कहाँ पर है। जी पॉइंट बोलते हैं सेंसिटिव एरिया, वो सेंसिटिव एरिया जहां पर आप हाथ से टच करें या वहां पे सहलाएं, जिसकी वजह से वो एकदम ऑर्गेज्म तक पहुंच जाती है और उसको एकदम से लगता है कि शी इज गोइंग टू बी एक्साइटेड।
तो ऐसी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे फीमेल के कानों के पीछे का जो एरिया होता है, कुछ फीमेल के साथ ऐसा होता है कि अगर आप कानों के पीछे की तरफ आप लिक करते हैं, जीभ से टच करते हैं या फिर हाथ से करते हैं या किस करते हैं, तो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती है। कुछ फीमेल जो होती है उनको ब्रेस्ट की जो टिट्स होते हैं उनको आप जब हाथ से या मुंह से जब सहलाते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है। कभी कभी क्लाइटोरिस जो होता है, जो वजाइना की जो वजाइना के ऊपर जो एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसको आप हाथ से अगर सहलाएं या फिर आप अपने पीनिस से बार बार उसको टच करें, तो इससे भी फीमेल जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जब आप अपनी फीमेल पार्टनर की जांघों के ऊपर हाथ फहराते रहें, डालते रहें, कभी कभी कमर के ऊपर हल्के हल्के हाथ फहराएं और उसको एक्साइट होने दें। ऐसा ना हो कि भाई आपको तो एक्साइटमेंट हो गया, आप फौरन इरेक्ट हो गए, आपने फौरन इंटरकोर्स शुरू कर दिया, ये बिल्कुल गलत चीज होती है। आप ध्यान दें इस बात पे कि कब आपकी फीमेल पार्टनर जो है पूरी तरह बूस्ट पे आती है, पूरी तरह हीट पे आती है। जब आपकी फीमेल पार्टनर आपके फोर प्ले के बाद आपको बिल्कुल जकड़ ले और आपसे कहे कि अब उस पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब आप उसके साथ इंटरकोर्स शुरू करें, तब आप उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करें और सेक्स करना शुरू करें। इससे आपकी सेक्स परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और आपकी दोनों की ट्यूनिंग और बॉन्डिंग्स भी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आउट प्ले की। अब जैसे कि आपने पूरी तरीके से सेक्स कर लिया, आपको इजेकुलेशन हो गया, आपकी फीमेल पार्टनर को भी इजेकुलेशन हो गया, अब ऐसा नहीं है कि आप फौरन से एक दूसरे को छोड़ें और भाग जाएं। आउट प्ले कहते हैं कि अगर आप सेक्स करने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद, अपनी फीमेल पार्टनर से अच्छी प्यारी प्यारी बातें करें और उसे बताएं कि आज कितना आपका दिल खुश हुआ या कितना उसका दिल खुश हुआ आपके साथ इंटीमेट होने पे, तो आप एकदम से उसका ना छोड़ें, हग करके लेट जाएं, एक दूसरे को किस कर लें या एक दूसरे के सीने के ऊपर सर रख के सो जाएं या एक दूसरे के ऊपर हाथ पे हाथ रख के सो जाएं, इसको कहते हैं आउट प्ले कि सेक्स करने के बाद भी आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इससे आपकी जो सेक्स लाइफ है और जो आपकी नॉर्मल लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। जो पॉइंट जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उनके मद्देनजर अगर आप अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो आपको और आपकी फीमेल पार्टनर को कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको उससे शिकायत होगी ना वो आपसे कभी शिकायत करेगी। तो कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हाँ, मैं चलते चलते जरूर कहूंगा आपसे कि अगर आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल या मेंटल प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सहायता की जाएगी, वो भी कंप्लीटली फ्री है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।